Hello guys, how are you? I'm Sushil Kumar here in front of you, and this is our topic, properties of multiplication of rational numbers, right? So bane rahiye mere sath till end. Aur hamare paas 7 properties hain in case of multiplication of rational numbers. Okay? Main underline kar deta hu ki aapko focus rahega hum kiski baat kar rahe hain. Okay? Dekhiye sabse one property, pehli property hai ensure closer property. When you will multiply two rational numbers, the result will be a rational number. Okay, a by b is into c by d is equal to a rational number. हमेशा आपके पास एक rational number ही होगा बच्चों. Okay, देखिए कैसे हम examples लेते हैं और solve करते हैं. हम a by b first rational number लेते हैं -1/2 into c by d second rational number लेते हैं 3/4. तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस बार एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है. 3 × -1 − 3 − 4 × 2 = 8. दिस इज अ रैशनल नंबर, नो डाउट. ओके, ये सी आपकी फर्स्ट वन प्रॉपर्टी जो कि ट्रू है. हमेशा रैशनल नंबर होगा जब आप दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा. सेकेंड वन प्रॉपर्टी है आपका, यही मैं सोल्व कर देता हूं इसके साथ. दिस वन मीन द कम्युनिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. Mean you can multiply two rational numbers in any of the order, the result will be the same, equal होगा हमेशा. Okay? देखिए property है a by b into c by d. मैं example लेता हूँ -1/2 × 3/4 is equal to 3/4 × -1/2. देखिए मैंने इनका order change कर दिया है और कुछ नहीं किया, right? तो 3 × 1 − 3 − 4 × 2 = 8 is equal to 3 × -1 − 3 − 4 × 2 = 8. They both are equal. Okay? Mean this property is hold true in case of multiplication of rational numbers, right? Now we have third one, associative property of multiplication. Mean while multiplying three rational numbers, you can change their grouping. The result will be same. Okay? देखते हैं कैसे, with the help of example. A by B into C by D into E by F. लेफ्ट साइड में मैं ग्रुप बना रहा हूं. फिर से मैं आपको एक बात यहां कहना चाहूंगा कि बच्चों ध्यान रखिए, यहां पे हम ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम ग्रुपिंग चेंज कर रहे हैं, राइट? लेफ्ट साइड में हमने ग्रुप बनाया है ए बाई बी और सी बाई डी का, और राइट में हमने ग्रुप बनाया है सी बाई डी एंड ई बाई एफ का. ओके, तो जरा ध्यान से वैल्यूज पुट करते हैं. ए बाई बी में फर्स्ट रैशनल नंबर लेता हूं -1/2, सी बाई डी लिया 3/4, इंटू ई बाई एफ हम लेते हैं 2/5, और ये मेरा लेफ्ट साइड का ग्रुप है. राइट साइड में देखिए ऑर्डर इज सेम, नो चेंज इन द ऑर्डर, बट ओनली ग्रुपिंग इज चेंज्ड, राइट? सो देखिए क्या आंसर आ रहा है. पहले अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. तो 3 × −1 − 3 / 8 × 2/5, तो आपके पास क्या रहेगा बच्चों, लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी, 3 × 2 = 6 − 6 − 5 × 8 = 14. राइट साइड देखते हैं −1/2 × 3 × 2 = 6 − 5 × 4 = 20 − 20 = 40 − 6 − −1 − 6. ओके, सो बोथ आर सेम. आप यहां देख रहे हैं हमने ऑर्डर चेंज का नहीं किया है, हमने ग्रुपिंग चेंज करके तीन रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर हमेशा सेम आ रहा है हमारा. मीन दिस प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, राइट? नाउ वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल्स इन केस ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. ये हम कुछ एग्जाम्पल्स में, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका होगा 7. इंट्रोडक्शन में जो टॉपिक हमारा 7 है, दैट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स है, आप मेरी फर्स्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं. तो सिंप्लीफिकेशन में हमें ये बहुत हेल्प करेगा टू मेक द सिंप्लीफिकेशन इजी. ओके, तो यहाँ पे आपके पास बच्चों दो प्रॉपर्टीज आती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन. ओके, ओवर एडिशन में आपका ये होता है, दिस वन इज प्रॉपर्टी ऑफ ओवर एडिशन. दिस इज द एक्सप्रेशन और रूल यू कैन से, हम पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं फिर एड कर देंगे, और हम पहले एडिशन करते हैं फिर उसको थर्ड वन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, इन कॉमन प्रोसेस होता है ये. सेकेंड वन है आपका ओवर सब्ट्रैक्शन, इसी का सेकेंड पार्ट ओवर सब्ट्रैक्शन. यहाँ पे ओनली इन एडिशन की जगह आपके पास सब्ट्रैक्शन आता है. ओके, हम अभी प्रूव करते हैं विद एग्जांपल. सो ए बाई बी
इंटू सी बाई डी प्लस ए बाई बी इंटू ई बाई एफ इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ। ओके, मीन हम इनको यहां पे आपकी प्रॉपर्टी लग रही है, अगर मैं पहले इसको मल्टीप्लाई कर दूं इससे तो ये पेयर बन जाएगा प्लस साइन एस इज, और फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूं ए बाई बी को ई बाई एफ से तो ये पेयर बन जाएगा। बट इससे फर्क नहीं पड़ रहा है आप ऐसे करें या ऐसे करें। ओके, सो देखते हैं कैसे हम वैल्यूज लेते हैं। पहले a बाई बी का वैल्यू मैंने लिया माइनस वन बाई टू, सी बाई डी का वैल्यू मैंने लिया है थ्री बाई फोर, राइट, प्लस a बाई बी का वैल्यू फिर से माइनस वन बाई टू। आप यहाँ पे ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे जैसे आप ग्रुप शो कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज ऑल्सो बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये ग्रुपिंग कर देता हूँ मैं। ओके, राइट, सो माइनस वन बाई टू इंटू ई बाई एफ हम लेते हैं टू बाई आपको ये हो गया, प्लस आप ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज नेक्स्ट टाइम वी विल टेक एलसीएम, माइनस टू और टेन। ओके, अब यहां पे देखिए बच्चों, प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, ओके, और एलसीएम भी ले लीजिए। एलसीएम आपका आएगा 40 एलसीएम आ जाएगा आपका, राइट, तो 8 5 40 फाइव इंटू थ्री माइनस 15, राइट, प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 4 4 2 8 तो आपके पास आया माइनस 23/40 बिकॉज दे बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है तो मैं क्या करूंगा प्लस कर दूंगा और साइन माइनस का आएगा, राइट। सिमिलरली माइनस 1/2 इनटू, यहां पहले आपको अंदर एलसीएम लेना है ब्रैकेट में, पहले एडिशन करना है, एडिशन आया मेरा 20, राइट, 25 4 20 4 5 20 5 3 15 प्लस 5 4 20 4 2 8, राइट, क्या बन गया बच्चों आपके पास इनसाइड द ब्रैकेट माइनस 1/2 इनटू 23/20। नाउ मल्टीप्लिकेशन साइन इज देयर, ओके, जब ब्रैकेट ओपन किया तो इसके साथ प्रोडक्ट में आ गया, अब आपके पास आया 23 इनटू माइनस 1 माइनस 23, 20 इनटू 2 40। देखिए देखिए आपके पास लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रहा है। ओके, सिमिलरली यू कैन वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ सब्ट्रैक्शन, आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यूज आप सेम रखिए जो मैंने रखा है, a by b का वैल्यू माइनस 1/2, c by d का वैल्यू 3/4 और e by f का वैल्यू 5/2, ऐसे ही आप यहां सब्ट्रैक्शन लगाएंगे बस दोनों प्लेस पे, ओके, और आप अपने आप वेरीफाई करेंगे, ओके, देन यू हैव टू पुट इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो इज इट कमिंग ट्रू और नॉट, ये दोनों आपका वेरीफाई होगा, दिस इज इक्वल, दिस इज ऑल्सो इक्वल सेम। ओके, नाउ नेक्स्ट वन वी हैव मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मीन जब आप किसी भी रैशनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा वन मिलेगा। देखिए माइनस टू बाय थ्री को आप मल्टीप्लाई करते हैं थ्री बाय माइनस टू से, देखिए थ्री टू थ्री कैंसल, माइनस टू से माइनस टू कैंसल, वन आंसर है आपके पास। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसी तरीके से आप बोल सकते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 7/9 इज इक्वल टू 9/7। ओके, ये आपका बच्चों सेम प्रॉपर्टी फ्रैक्शन में भी होता है, ध्यान रखिए, वहां पे हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को रखेंगे, ओके, नेगेटिव नहीं होगा। एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 3/7 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7/-3, और आप लिख सकते हैं माइनस 7/3, साइन ऊपर लगाए नीचे लगाए कोई दिक्कत नहीं है, रैशनल नंबर नेगेटिव कंसीडर किया जाता है वेदर द डिनोमिनेटर पॉजिटिव और न्यूमरेटर इज, डिनोमिनेटर इज नेगेटिव और न्यूमरेटर इज नेगेटिव। ओके, सो नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी वी हैव, सो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं एडिटिव मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी, कई बार क्या होता है 1 मार्क क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ही पूछा जाता है ओनली, तो आप ध्यान रखिए आपको साइन चेंज नहीं करना है, ओनली उसको रेसिप्रोकल करना है, राइट, रैशनल नंबर का, राइट, तो आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मिल जाएगा। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी वी हैव मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, तो बच्चों दिस वन प्रॉपर्टी इज, ये आपको प्रॉपर्टी बता रही है a by b into 1 is equal to आपके पास आएगा a by b,
जब आप किसी भी रैशनल नंबर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हमेशा क्या मिलेगा, रैशनल नंबर इटसेल्फ मिलेगा। a by b into 1 is equal to a by b itself. Means 7 by 5 into 1 is equal to 7 by 5 आपको मिल रहा है, ओके? मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आप, ठीक है? 7 को you can make this 1 as rational number. तो आपको पास क्या बन जाएगा? 1 by 1. 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 into 1 7. 5 को 1 से किया, 5 into 1 5. इस तरीके से आप minus 3 by 9 LCM माइनस थ्री बाय फाइव आपने लिया रैशनल नंबर, उसको आप वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यू कैन राइट वन बाय वन, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, सेम द रैशनल नंबर इटसेल्फ। सो ए बाय बी इनटू वन इज इक्वल टू ए बाय बी, दैट इज द रूल आल्सो, ओके? सो नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, मीन व्हेन यू विल मल्टीप्लाई एनी रैशनल नंबर विद जीरो द रिजल्ट विल बी जीरो इटसेल्फ, ओके? A by B into 0 is equal to 0. When you will multiply any number, any real number with 0, तो result आपके पास हमेशा 0 ही मिलता है। ये 0 की property आपको whole numbers में भी मिलेगी, integers में भी मिलेगी और rational numbers में भी है, okay? कोई भी example लेते हैं, 3 by 4 into 0 is equal to 0, right? तो आपको number, आपको rational number देखने की जरूरत नहीं है, जब भी question आ जाए कि what is the multiplicative property, the property